एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। तो ये जो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर मेकअप, तो इससे पहले मैंने इसी बेटी का किया था हेयर स्पा, और उसके नेक्स्ट डे ही इसका बर्थडे था, तो फिर इसने करवाया था मेकअप। बहुत ही लाइट और सिंपल सा मेकअप किया था, और इसके अंदर जो मैंने टाइमिंग यूज़ की थी वो 10 से 15 मिनट की थी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होती है एक मेकअप के लिए, क्योंकि अगर आप मेकअप कर रहे हो तो कम से कम आधा घंटा तो रेस्ट देना ही पड़ता है अपने फेस को, तब जाके मेकअप स्टे करता है। और आज के दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा, और इसके दूसरे दिन से ही फिर ना काफ़ी बारिश होना शुरू हो गई, और लगातार 2-3 दिन तक बारिश रही थी। हमारे घर में लाइट, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, यानी बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था 2-3 दिन। उसके बाद है ना, फिर जो क्लीनिंग वगैरह मैं करूँगी वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी, लेकिन मैंने 2 दिनों तक वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, फ़ोन चार्ज भी नहीं हो पा रहे थे। घर में थोड़ा सा इन्वर्टर चार्ज था, वो भी डिस्चार्ज हो गया, फिर न्यू बैटरी खरीद के लाए ताकि घर में थोड़ा सा उजाला हो सके। तो ये सारी समस्याओं का हमने सामना किया था, और ये देखिए फाइनल लुक। हल्की सी मैंने यहाँ पे कर्ल्स कर दी है फ्रंट में, ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा लगे। तो सिंपल सा ही उसका बर्थडे लुक किया था मैंने। तो अब ये देखिए, जो मैं बता रही थी ना, 2-3 दिन लगातार बारिश होने के बाद घर की और पूरे आसपास के माहौल की हालत आप देख सकते हो। घर में पूरी छतों में से पानी भी टपकना शुरू हो गया था, जबकि मेरा घर बिल्कुल न्यू बना है, अभी 2 ही साल हुए हैं, फिर भी क्योंकि इतना ज़्यादा पानी था, दिन रात पानी बरसा था, और इस वजह से आप देख रहे हो छत की हालत, और काफ़ी बारिश भी थी, काफ़ी हवा भी चल रही थी, बहुत गंदगी हो गई थी। तो आज है ना, और 2-3 दिन बाद आज अच्छी सी धूप खिली थी, बारिश भी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह ही सुबह मैं पूरी छत को क्लीन कर दूं। और सारे कपड़े आज मैंने सुखाए थे, जितने भी मेरे घर में वो बेड शीट हैं और मेरे जो भी बेड के गद्दे वगैरह हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे सुखाए थे, और पूरा दिन आज मैं छत पर ही रही थी, क्लीनिंग भी करती रही, और साथ साथ मैंने सारे कपड़े भी सुखाए, ताकि कपड़ों के अंदर जो मॉइस्चर आ गया था, जो एक स्मेल सी आ रही थी ना, वो सारी रिमूव हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी 4-5 दिनों से, क्योंकि मुझे ना सीलन की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और मेरा मन नहीं लगता। तो आज मैंने सूरज देवता का बिल्कुल अच्छे से यूज़ किया, और उसके बाद अब मैं आई हूँ ऊपर वाले इस रूम में। तो क्योंकि ना मेरा जो भी पार्लर का सामान है ना, वो सारा इधर उधर एकदम बिखरा हुआ डला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना हमें ना आज अच्छे से है ना सारी चीज़ों को मैं रीअरेंज करती हूँ। तो मैंने पूरे पार्लर को ना यहाँ पे अच्छे से अरेंज किया, पार्लर का सामान एक जगह किया, और मेरा जो यूज़ का सामान है, जैसे कि बेड वगैरह हैं, मेरे घर की जो सामान है, उन सबको मैंने एकदम अलग तरीके से रख दिया, तो अच्छा लग रहा था। मैं आपको है ना लास्ट में दिखाऊंगी कि जब मैंने इसको अच्छे से ओके यानी रेडी कर दिया, उसके बाद ये कैसा लग रहा था, क्योंकि कुछ सामान यहाँ इस रूम में पार्लर का पड़ा था, कुछ बाहर बेड वगैरह पड़े थे, तो वो अच्छे से सेट नहीं थे, और अच्छा भी नहीं लग रहा था देखने में, पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे बिखरा बिखरा है और कबाड़ की तरह सारा सामान रख दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं गद्दे वगैरह ला के रख दिए मैंने, तो उनमें धूप लग रही है, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर की सफाई, और जो भी छोटे मोटे जाले वगैरह हुए थे वो सारे मैंने रिमूव किए, और पूरी दीवारों पे सीलन आप देख सकते हो, सामने पिंक कलर कितना अलग हो गया है, लाइट पिंक की जगह डार्क दिख रहा है, क्योंकि वो सामने वाली दीवार है ना वो पूरी भीग चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा सीलन आ गई थी बारिश की वजह से। तो यहाँ पर आज इसी वजह से कुछ तो मैंने सफाई की थी, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो मुझे तो हर चीज़ है ना मैली सी, गंदी सी, चिपचिपाहट वाली लगने लगती है, तो फिर मेरा मन कितना भी मैं कंट्रोल कर लूँ ना तो वो कंट्रोल में नहीं रहता, और मैं फिर है ना क्लीनिंग में लग जाती हूँ। हालांकि मैंने सपना से बोला था कि झाड़ू लगा देना, लेकिन उसके लगाए हुए झाड़ू से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और उसके बाद फिर मैं खुद से खड़ी हुई और मैंने खुद से पूरे घर की क्लीनिंग की। तो मैंने ऊपर वाले फ्लोर की क्लीनिंग की थी, नीचे नहीं की थी, क्योंकि इतना सब मैं नहीं कर पा रही थी, और ये सब करने के बाद है ना मैं 2 दिन तक बीमार भी रही थी, क्योंकि मैंने काफ़ी वजन उठाया इसमें, तो मेरे पैर और कमर ये दोनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतना दर्द हुआ था ना कि मैं रात को 2-2 बजे तक बैठ के रोने लगी थी कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है।
और यही वजह है कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ और ना ही कोई वजन का सामान उठाती हूँ, क्योंकि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि डॉक्टर ने तो मुझे कहा है कि आप बेल्ट वगैरह लगा के, नी बेल्ट वगैरह लगा के काम करो, बट मैं थोड़ी सी खुद के लिए लेज़ी हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें करना पसंद नहीं है कि बेल्ट लगाओ फिर बैठे रहो कि हमको ये है वो है, हर वक्त मुझे रोना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आज है ना सारा क्लीन किया, और उसके बाद है ना फिर मैं, क्योंकि है ना मेरा पार्लर स्टार्ट हो रहा है, कुछ स्टूडेंट वगैरह भी आ रहे हैं सीखने के लिए मेरे पास, तो उससे पहले ही मुझे है ना पार्लर को अच्छे से अरेंज करना था ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा लगे, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं ना तो उसका लुक बहुत मैटर करता है। तो मैं ना वीडियो वगैरह भी शूट करती हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कि चारों तरफ एकदम सामान बिखरा पड़ा है, और ये वाला जो तख्त है ना ये बाहर वाले रूम में रखा था और इस पर काफ़ी सारा सामान वगैरह भी आ जाता था ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि दोनों रूमों को सेपरेट कर दिया, एक रूम को मैंने पार्लर के सामान से सेपरेट कर दिया और एक रूम को हमने हमारे बेड वगैरह रख के सेपरेट कर दिया। तो इससे क्या है कि है ना दोनों रूम अपने आप में सेटल लगेंगे और बिल्कुल भी है ना बिखरे बिखरे से नहीं लग रहे थे, बहुत प्यारा लग रहा था। यानी जिस तरह से भी मैं अरेंज कर सकती हूँ अपने घर के सामान को, उस तरह से मैंने अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग गया। सुबह से लेके दोपहर के 3 बज गए थे और आज मैं ना क्लीनिंग के काम में ही लगी रही थी, लेकिन है ना फाइनल जब हुआ ना उसके बाद थोड़ा सा मुझे सुकून मिला कि चलो मेहनत तो लगी लेकिन उसके बाद है ना घर एकदम साफ़ सुथरा चमकदार हो गया ना, तो बड़ा सुकून मिला मुझे। और ये देखिए जो मैंने तख्त हटाया ना उसके नीचे इतने सारे बॉक्सेस रखे हुए थे, फिर मैंने सारे बॉक्सेस को चेक किया कि इसमें अगर कुछ यूज़ वाला सामान है तो उसको मैं रखूं, और जो अनयूज़ का है किसी काम का नहीं है उन सारे सामान को फिर मैं फेंकने वाली हूँ, तो सारा सामान फिर मैं कूड़े की जो गाड़ी आएगी उसमें फेंक दूंगी। और कुछ इसमें चीज़ें मेरी काम की भी थी, कुछ चीज़ें जैसे कि एक बॉक्स के अंदर मेरे जो प्लांट है ना उनकी जो खाद वगैरह होती है, दवाइयाँ होती हैं, वो सारी रखी हुई थी। अब ऐसी चीज़ों के लिए मुझे कुछ स्पेस तो चाहिए, और आज ना मेरे बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की थी क्योंकि मुझे उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं जो भी सामान इधर उधर रखने का काम था ना मैं आरू मोलू से ही करवा रही थी। आज दोनों बच्चे मेरे साथ 3 बजे तक लगे रहे और मेरे साथ छोटा मोटा जो भी काम था जितना कि वो कर पा रहे थे उन दोनों ने किया, तो इतना ही हमारे लिए बहुत होता है कि बच्चे इतनी हेल्प कर देते हैं ना तो बहुत सा काम आसान हो जाता है। और इन्हीं सब कामों में इतनी बिजी थी ना कि मुझे वीडियो एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि घर का काम करने के बाद मैं थक जाती थी, फिर पार्लर का भी काम था मेरे पास तो ना वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, और ये वीडियो शूट तो मैंने काफ़ी दिनों से करके रखी थी। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आज सुबह से ही हमारे वहाँ पर बारिश हो रही है, सुबह आई थिंक 4 बजे से ही बारिश हो रही है, कंटिन्यूसली बारिश है। तो ये जो व्यू है ना ये मैं आपको दिखाऊँगी कल की वीडियो में, लेकिन आज भी मौसम फिर से ही ऐसा हो गया है। लेकिन मैंने क्या किया था कि जो बीच में 1-2 दिन का गैप पड़ा था ना उस गैप में अपने पूरे घर को मैंने क्लीन कर लिया ताकि गंदा ना लगे, एकदम साफ़ सुथरा लगे। और ये है शाम का टाइम, यानी रात का टाइम है क्योंकि हम लोग इतने थक गए थे ना, फिर मैंने शाम को खाना नहीं बनाया था और हम लोग गए थे राजपुताना, वहाँ पर हम लोग खाना पीना खाकर आए और सो गए। और ये है दूसरे दिन की वीडियो, तो जो कि मेरा पार्लर वगैरह सब सेट हो गया है, लेकिन अभी मैंने अच्छे से आपको दिखाया नहीं है, जो कि मैं लास्ट में दिखा दूंगी कि सब कुछ सेट करने के बाद कैसा लग रहा था। और यहाँ पर अभी मैं हेयर स्टाइल करके सिखा रही हूँ लड़कियों को, तो छोटे अगर हेयर्स हैं और कोई कर्ल्स मांगता है तो हमको किस तरह से कर्ल्स करने हैं वो सारी चीज़ें मैं अभी सिखा रही थी, क्योंकि ये जो हेयर है ना काफ़ी शॉर्ट हेयर हैं और इनके हेयर भी मैंने ही कट किए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर थे, तो फिर मैंने इनके काफ़ी सारे हेयर है ना कट कर दिए। और उसके बाद भी देखो छोटे से बालों पे भी हमने कर्ल्स किया और बहुत ही प्यारा लुक आया था। और अभी चेहरे पे कोई मेकअप वगैरह नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर केवल हेयर स्टाइल सिखा रही थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आपको भी दिखा दूँ कि बच्चे किस तरह की हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस करते हैं और मैं उनको इस तरह की हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस करवाती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल देती हूँ ताकि आप लोग भी वहाँ पर जाके देख सको। मज़ेदार, हाय क्या खुशबू है, राजमा चावल। ये भी नेक्स्ट डे की ही वीडियो है, मॉर्निंग में देख रहे हैं आप कि कितने अच्छे बादल छाए हुए हैं, काफ़ी क्लाउडी वेदर हो रहा था, बहुत अच्छा मौसम था, तो मैंने सोचा कि चलो आज धूप नहीं है तो मैं अपनी छत को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी छत पे ना काफ़ी सारी रेत आ गई थी, दीवारों में से जो प्लास्टर था ना उसकी रेत निकल रही थी और जो पानी वगैरह भर जाता है छत पे
और टंकी में से भी पानी निकल जाता है काफी बार, तो उसमें क्या था कि रेत वगैरह काफी इकट्ठी हो गई थी, और यही रेत है ना फिर पाइप में आके जम जाती है और काई वगैरह का रूप ले लेती है। तो फिर मैंने क्या किया, पूरी छत को 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि मेरी छत काफ़ी लंबी है, इसको क्लीन करने में भी काफ़ी टाइम चला जाता है। तो मैंने क्या किया, जो भी रेत वगैरह थी ना, वो टंकी के पीछे एक बाल्टी रखी हुई है, उसके अंदर जाके मैंने सारी रेत वगैरह इकट्ठी करके रख ली कि कुछ काम होगा घर में कंस्ट्रक्शन का तो ये इसमें यूज आ जाएगी, क्योंकि आजकल रेत का भाव तो आसमान छू रहा है। 10,000 रुपये की एक ट्रॉली मिल रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है खरीदना, तो मैंने इसको रख दिया, क्योंकि ऐसी चीज़ें काम ही आती रहती हैं घर में। और जो भी कचरा था वो मैंने एक बकेट में इकट्ठा कर लिया, तो जो भी हमारी जब गाड़ी आएगी कचरे वाली, तो वो सारा कचरा मैं वहाँ डाल दूंगी। मैं अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ भी कचरा डालती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, पहली बात तो ये। अब गाड़ी आती है तो फिर मैं क्यों ना गाड़ी का यूज़ करूँ, और क्यों मैं अपने घर के चारों तरफ गंदगी करूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे मैंने सारा कूड़ा है ना बाल्टी में इकट्ठा कर लिया, और छत का आधा हिस्सा क्लीन हो चुका है, और अभी छत का जो इस साइड का पोर्शन है ना उसको क्लीन करना बाकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं मुझे तो आज का मौसम बड़ा सुहाना सा लग रहा है, और आज पूरे दिन ऐसा ही मौसम रहा था। उसके दूसरे दिन फिर बारिश होना स्टार्ट हुई थी सुबह 4 बजे से ही, हालांकि दोपहर में भी बारिश हो गई थी, 2, 3 या 2:30 बजे के करीबन, सॉरी 1:30 बजे के करीबन बहुत अच्छे से बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो बारिश का मौसम है तो वो होगा ही, लेकिन ये जो वेदर है ना कसम से बड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे बारिश का सीजन बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन केवल छत पे खड़े होना और अपने घर में खड़े होना, क्योंकि बाहर की गंदगी वो फिर अच्छी नहीं लगती। लेकिन मेरा फेवरेट मौसम बारिश का ही है, इसमें जब वो ठंडी ठंडी हवा चलती है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें आती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी मम्मी हमेशा यही कहती थी कि तेरा जो जन्म है ना ये भी बारिश के टाइम पे ही हुआ था, जुलाई में, इसी वजह से शायद तुझे बारिश का मौसम पसंद है। फिर वो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अभी देखिए मैंने पूरी छत को अच्छे से क्लीन किया, और ये टूटी हुई जो खाट रखी है ना इसको मैं अभी ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि ठंडियाँ जब हमारे वहाँ पड़ेंगी ना तो बाबा फिर इसको जला वगला के थोड़ा हाथ वगैरह सेक लेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ की तो ठंडी भी बहुत भयंकर पड़ती है कि इंसान को ऐसा लगता है कि हम घर में ही पूरे ठिठुर जाएंगे, तो ये उस वक्त काम आ जाएगी। और मैंने पूरी छत को अच्छे से क्लीन किया। साथ बोलते हो ना कि दी प्लीज़ अपना गार्डन दिखाइए दिखाइए, तो चलिए देखिए मेरा गार्डन कितना हरा भरा हो रहा है। ये है बारिश की वजह से ही सब कुछ, देखिए सारे पौधों की रंगत कितना बढ़िया लग रहा है ना, सारे पौधे एकदम हरे भरे हो रहे हैं मेरे। तो कुछ भी मैंने बदलाव नहीं किया है, सब कुछ ऐसा का वैसा ही है, और कुछ मेरे पौधे अंदर रखे हैं, ये पौधे वो हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने सफाई की उसके बाद ऊपर मैंने किस तरह से सेटअप बनाया है। तो ये देखिए मैंने बना दिया यहाँ पर अपना छोटा सा एक पार्लर का सेटअप, वो रखा है मेरा मसाज बेड, उसको उसके ऊपर मैंने अभी टेडी बियर रख दिया है, क्योंकि मुझे कोई खास ज़रूरत अभी लग नहीं रही है। यहाँ पर 2 चेयर रख दी हैं, और चलिए पहले मैं लाइट ऑन कर दूँ। यस लाइट आ गई आई थिंक। ये सारी चेयर मैंने यहाँ पे रखी हुई है जहाँ पर मेरे जो पार्लर की लड़कियाँ हैं वो करती हैं प्रैक्टिस। और ये रहा छोटा सा सेटअप, मेरे घर पर एक टेबल रखा हुआ था उसी के अंदर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से सेट कर दिया। ये मेरी स्टीमर, और ये रही मैं, तो ये मैंने किया है छोटा सा पार्लर का सेटअप हो गया मेरा एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सफाई से। और इसके बाद यहाँ पर ना मैंने रख दिया है अपने घर का सारा सामान, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चलिए खिड़की खोलूँ, सॉरी दरवाज़ा खोलूँ, और आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। ओ माय गॉड बारिश, ये पूरी छत मैंने क्लीन कर दी है, क्योंकि धूल मिट्टी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सामान रखा हुआ है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। और देखिए यहाँ पर हो गया ये बेड एक, ये सारे मैंने धोए हैं, मेरे सोफे के कुशन कवर ये सारे सूख गए हैं, इनको उठा के नीचे ले जाऊंगी। और अभी बारिश हो रही है ना इसलिए मैंने ये स्टैंड यहाँ पे रख दिया है कपड़े का। एक बेड हमारा इधर आ गया, एक बेड हमारा उधर आ गया। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे ठंडियों के कपड़े भर के रखे हुए हैं। ये छोटा सा कूलर रखा है, उसके ऊपर कुछ पोंछा वगैरह डाल दिया है, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो यहाँ का सारा सामान है ना उठा के हम यहाँ रख देते हैं।
कपड़े मैंने एक डोरी भी बांध दी है। और ये पलंग ना ये मैं रखती हूँ बाहर अभी कुछ दिनों से, बट बारिश हो रही है ना तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ रख दी। एक चेयर ये वहाँ बाहर रखने की जगह नहीं है, और मेरा शैम्पू स्टेशन इसको भी वहाँ रखने की जगह नहीं है, तो अभी मैंने यहीं पर रख रखा है इसको। और वैसे बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन लग रहा था घर कल, लेकिन अब बारिश की वजह से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है अभी बाहर, और ये देखिए फ्लोर कितने अच्छे से चमक रहा है। मेरी स्प्रे बोतल यहाँ पर आ गई। तो ये है मेरे पार्लर का छोटा सा सेटअप, जो कि मैंने अभी इसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। ये कूलर है इतना बड़ा, अगर गर्मी लगती है तो हम इतना बड़ा कूलर चला लेते हैं। और ये कुछ दाने हैं जो कि मैं डालती हूँ पक्षियों को, गेहूँ में पक्षियों को डाल देती हूँ मैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी क्लीनिंग भी अच्छी लगी होगी, और देखिए मैंने ये छोटा सा सेटअप बनाया, ये सेटअप भी अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी मैं अपने पार्लर में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब तक हम कुछ कमाते नहीं है तब तक लगाना भी सही नहीं होता। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए बाय बाय, ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।